Hello everyone, I'm Anirudh Saxena, Assistant Professor from Sage University, Bhopal. हमारा आज का टॉपिक है राग मालकोंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक राग के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, परिचय, आरोह अवरोह, पकड़, आलाप, ख्याल गायकी, ध्रुपद गायन, तराना, उसकी कंपोजिशंस, ताने, बोलतान, इस प्रकार कई प्रकार के राग अंग होते हैं। ऐसे ही राग मालकोंस भी एक ऐसा खूबसूरत राग है जिसका परिचय कुछ इस प्रकार है। इस राग का थाट है भैरवी थाट। इस राग की जाति है औडव औडव। इस राग में वर्जित स्वर हैं ऋषभ और पंचम, यानी इस राग में ऋषभ और पंचम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका वादी स्वर है मध्यम, इसका संवादी स्वर है षडज। गायन समय इस राग का रात्रि का तृतीय प्रहर। कोमल स्वर इसमें गंधार, धैवत व निषाद। न्यास के स्वर स ग म, यानी षडज, गंधार व मध्यम। समप्रकृति राग यानी मिलता जुलता राग है चंद्रकौंस। ये राग अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत राग है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक राग को गाने के लिए उसका समय का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। अब इस राग का आरोह अवरोह पकड़ किस प्रकार है, मैं आप सबके सामने एक प्रस्तुति देता हूँ। सबसे पहले मैं आरोह प्रस्तुत करता हूँ। नी सा ग म ध नी सा, आकार में आ, 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 अवरोह सा नी ध म ग म ग सा आ। पकड़ नी सा म ग म ध म ग म ग नी सा, आकार में आ आ आ। इस रूप पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं तीन प्रकार के हमारे सप्तक होते हैं। देर आर थ्री ऑक्टेव्स आर देयर, ओके। सबसे पहला मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक, तीसरा तार सप्तक। इस राग में तीनों सप्तकों की साइकिल फॉर्म की जाती है। नोटेशंस का इस्तेमाल मंत्र सप्तक से लेके मध्य सप्तक से होते हुए तार सप्तक तक किया जाता है। इस राग की विशेषता है कि इस राग में ऋषभ और पंचम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इसका आलाप किस प्रकार है, चलिए जानते हैं। ग म ध म ग म ध नी ध म ग म ध नी सा नी सा ग सा ग म ग नी सा सा नी ध नी ध म ग म ग नी सा ध नी सा म। बहुत ही सॉफ्टली स्वरों को गाना है और स्टेब्लिश करना है। इसका आलाप स्वरों में मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इसको मैं आकार के फॉर्म में आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आ 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
बाघ मालकॉन्स का परिचय, आरोह अवरोह पकड़, इसका आलाप, इन चीज़ों को गाकर हम पता कर सकते हैं कि इस राग का क्या स्ट्रक्चर है, ये राग क्या कहना चाहता है, इस राग का थाट क्या है, इसको गायन का समय क्या है, इस राग की जाति क्या है, इस राग में वादी स्वर कौन सा है, संवादी स्वर कौन सा है, इसका सांप्रतिक राग कौन सा है, इस राग की विशेषता क्या है। ये सारे की फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन सब के बारे में एक राग को गाने से पहले इनको जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।